वर्ल्ड वॉर टू में जापान की कामिकाजे अटैक यूनिट्स दुश्मन देशों के लिए एक भयानक सपना साबित हुई। जापान इनिशियल वॉर में बहुत सारे फाइटर पायलट्स खो चुका था और अब उनके पास गिने चुने फाइटर पायलट्स बचे थे। जापानीज मिलिट्री कल्चर में हारने, पकड़े जाने या शर्मिंदा होने से अच्छा मर जाना बेहतर समझा जाता था। इस कल्चर को द वुल्वरिन मूवी के इस सीन में काफी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। कामिकाजे अटैक यूनिट्स दरअसल सुसाइड मिशंस को अंजाम देती थी। इनका इस्तेमाल पैसिफिक में अलाइड नेवल वेसल्स को टारगेट करने के लिए किया जाता था। हालांकि इनका मिशन सक्सेस रेट सिर्फ 20% का ही था, लेकिन ये कन्वेंशनल अटैक यूनिट्स के मुकाबले ज्यादा कारगर साबित हुई। कामिकाजे अटैक एयरक्राफ्ट पुराने जर्जर एयरक्राफ्ट से बनाई जाती थी, इसी वजह से ये अपने मिशन से पहले या तो स्टार्ट ही नहीं होती थी या फिर क्रैश हो जाती थी। एयरक्राफ्ट न होकर ये मैन कंट्रोल्ड मिसाइल्स थी, जिनमें फ्यूल भी सिर्फ मिशन को पूरा करने पर और लैंडिंग गियर्स तो उड़ान भरते ही अलग हो जाते थे, ताकि पायलट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही न रहे।